बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पायरोक्स के तमाम साथियों को अस्सलामुअलैकुम। वो एक डॉक्टर था, ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ थी, दौलत की बारिश और पेशे की सरगर्मियों में दीन का कोई खाना ना था। इसको ये मौका ही ना था कि वो दीनी किताब पढ़े या दीनी मौजूआत पर कुछ सोच सके। इसके पास आने वाले सब वही होते थे जो उसके पेशे के तकाज़ों के एतबार से इससे मिलने के लिए आते थे। अलबत्ता एक शख्स कभी कभी इसके यहाँ आता था और दीन के बारे में इससे बात करता था, मगर ये गुफ्तगू हमेशा ना तमाम ख़त्म हो जाती थी। आने वाले आदमी को थोड़ी देर के बाद महसूस होता कि डॉक्टर इस किस्म की गुफ्तगू को गैर अहम समझकर इससे बेतवज्जो हो रहा है। चुनाचे वो आदमी खुद ही अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करके थोड़ी देर इधर उधर की बातें करता और उसके बाद चला जाता। एक रोज़ डॉक्टर अपने घर के कमरे में अकेला था कि टेलीफोन की घंटी बजी। हेलो के तबादले के बाद दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई थी, मैं जिब्राइल बोल रहा हूँ, खुदा तुमको बुलाना चाहता है। आवाज़ अजीब भयानक थी, ऐसा मालूम होता था जैसे कोई गैर इंसानी मखलूक इंसानी ज़ुबान में बोल रही है। डॉक्टर पर ऐसी हैबत तारी हुई कि वो कुछ जवाब ना दे सका और रिसीवर इसके हाथ से छूट कर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब उसके होश व हवास दुरुस्त हुए तो उसने सोचना शुरू किया कि ये कैसी आवाज़ थी जो टेलीफोन पर सुनाई दी गई। मैं जिब्राइल बोल रहा हूँ, खुदा तुमको बुलाना चाहता है। सुनी हुई आवाज़ उसको लफ्ज़ लफ्ज़ याद थी, मगर इसकी समझ में नहीं आता था कि ये मामला क्या है और इसके जवाब में इसको क्या करना चाहिए। इसने अपने तमाम दोस्तों को टेलीफोन कर डाला और हर एक से पूछता रहा, मगर किसी ने ये नहीं कहा कि उसने डॉक्टर को इस किस्म का टेलीफोन किया है। डॉक्टर कई रोज तक इस सोच में पड़ा रहा, टेलीफोन पर सुनी हुई भयानक आवाज़ किस तरह इसकी याद से नहीं निकलती थी। आखिर एक रोज़ मस्कूरा आदमी आया, डॉक्टर ने उसे अपना वाकया का जिक्र किया। आदमी एक मिनट खामोश रहा और इसके बाद बोला, ये तुम्हारा नाम फरिश्ते का पैगाम था और इसका मतलब ये है कि तुमको हज पर जाना चाहिए। डॉक्टर की बात समझ में आ गई, उसने फौरन तैयारी शुरू कर दी और पहला मौका आते ही हज के लिए रवाना हो गया। डॉक्टर का हज इसकी ज़िंदगी का बड़ा तारीखी वाक़या था। हज के दौरान इस पर अजीब कैफियत तारी रही, इसको ऐसा महसूस होता था जैसे वो रब्बे काबा के मखसूस बुलावे पर दियारे हरम में हाजिर हुआ है। वापस आने के बाद चेहरे पर दाढ़ी और पंच वक्ता नमाजों के अहतमाम ने बताया कि डॉक्टर अब नया इंसान बन चुका है। डॉक्टर की ज़िंदगी में ये इनकलाब इसलिए आया कि जिब्राइल की आवाज़ सुनकर उसने समझा कि बराहे रास्त आसमान से इसको पुकारा जा रहा है, जबकि मस्कूरा शख्स की तबलीग इसको महज एक इंसान की आवाज़ मालूम होती थी। ताहम अगर आदमी की फितरत बेदार हो जाए तो इसको टेलीफोन पर जिब्राइल की आवाज़ सुनने की ज़रूरत नहीं, इसको नज़र आ जाएगा कि सितारों से लेकर दरख्तों तक हर चीज़ खामोश ज़ुबान में वही पैगाम दे रही है जिसको डॉक्टर ने जिब्राइल की तरफ से टेलीफोन की ज़ुबान में सुना। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की कहानी। अल्लाह ताला हमें अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपना बरगुजीदा बंदा बनाए। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हामी व नासिर।